सोलन के वार्ड नंबर 6 में भाजपा प्रत्याशी रेखा सहनी ने कार्यालय खोला। कार्यालय का शुभारंभ सोलन भाजपा प्रभारी राजीव बिंदल ने किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 6 के मतदाता काफी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजीव बिंदल सोलन शहर के सभी 17 वार्डों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन वार्ड नंबर 6 क्योंकि राजीव बिंदल का गृह वार्ड है, इसलिए वे इस वार्ड में जीत को सुनिश्चित करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। ये कह सकते हैं कि इस वार्ड पर डॉक्टर राजीव बिंदल की साख दांव पर लगी है, जिसे जीतने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राजीव बिंदल ने इस मौके पर कहा कि शहर में अगर विकास हुआ है तो केवल भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था शहर में भाजपा ने की है। अब इस योजना को बढ़ाने के लिए जयराम सरकार ने धनराशि उपलब्ध करवा दी है। सोलन की सब्जी मंडी, बाईपास और बस स्टैंड सभी विकास भाजपा द्वारा करवाए गए। उन्होंने कहा कि अब सोलन को नगर निगम का तोहफा भाजपा सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रभारी नहीं बल्कि सोलन की जनता भाजपा की प्रभारी है, और वह जानती है कि सोलन का विकास करना है तो केवल भाजपा ही करवा सकती है, इसलिए वह भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर सोलन में भाजपा की नगर निगम बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी वार्डो में जीत हासिल करेगी, ये उम्मीद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से वार्ड नंबर 6 के चुनाव कार्यालय का श्री गणेश हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलती है कि सोलन नगर क्षेत्र की उपेक्षा यदि किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की, और सोलन के अंदर विकास के नए नए आयाम को स्थापित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कॉरपोरेशन का बनना सोलन के इतिहास के लिए एक नई और महत्वपूर्ण घटना है। 2014-15-16 के अंदर यदि यह कॉरपोरेशन बनी होती तो शायद आज सोलन का स्वरूप और अधिक सुंदर होता। जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी ने सोलन को एक अलग प्रकार से महत्व देते हुए कॉरपोरेशन का निर्माण किया है। मैं अपील करना चाहता हूं सोलन की प्रबुद्ध जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉरपोरेशन बनाई है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेशन बना करके दे ताकि विकास सुनिश्चित हो सके। हमारा एक और कहना है, जरा जाइए ना पुराने इतिहास में, सोलन के पानी की ऑगुमेंटेशन शांता जी के समय में और अश्विनी की ऑगुमेंटेशन हुई। सोलन के पानी की नई स्कीम का निर्माण भारतीय जनता पार्टी शासन में प्रेम कुमार धूमल के समय के अंदर गिरी पानी आया, और अब फिर जयराम ठाकुर की सरकार में 15 करोड़ रुपया उसकी फर्दर ऑगुमेंटेशन के लिए दिया। सवाल तो यही है, सब्जी मंडी बनी, 200-250-300 करोड़ रुपए का टर्नओवर, बिजनेस की जनरेशन, किसान का लाभ भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। बस अड्डा बना भारतीय जनता पार्टी के समय में बना, कुमारहट्टी बाईपास बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना, राजगढ़ रोड बाईपास के निर्माण की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी शासन में हुई। कितना गिनाएंगे, लंबा समय लगेगा, परंतु कांग्रेस ने नगर परिषद को नगर निगम में ना बदल करके, और जो केंद्र की सरकार ने हमको स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी देना चाहिए था, उससे महरूम रखा। यह दोष तो कांग्रेस को अपने सिर पर लेना ही पड़ेगा। ये आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोलन की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर भाजपा सरकार से विकास के अगले कीर्तिमान को करवाने के लिए आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास। सर, 17 वार्ड का जो आपको प्रभारी यहाँ पर बनाया गया है, पूरे का पूरा जो चुनाव है उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है और सारी साख आपकी उस दांव पर लगी है, लेकिन वार्ड नंबर 6 की बात करें, ये आपका अपना वार्ड है, कैसे मानते हैं? पहली बात तो ये कि मैं प्रभारी नहीं, मैं तो अपने, मेरी मातृभूमि के मेरे भाई बहन, मेरे साथी, मेरे मित्र, जिन्होंने बरसों मेरा सहयोग किया, मैं तो उनके दर्शन मात्र करने के लिए आया हूँ। प्रभारी तो सोलन की जनता, सोलन का मतदाता है, और वो निर्णय देगा 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा, चाहे वो वार्ड नंबर 6 हो और चाहे वो वार्ड नंबर 1 हो या 17 हो, सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा।